जय श्री माँ, नमस्ते। माँ और श्री अरबिंदो के द्वारा स्पर्श की गई चीजें दिव्यांश हम देख रहे हैं। इसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ द मदर बुक, जो बहुत ही पुरानी बुक है और जिस बुक में माँ के हस्ताक्षर भी है। द मदर बुक की ये डीलक्स एडिशन है जो 1953 में पब्लिश हुई थी। इस एडिशन में माँ ने सभी को ये बुक साइन करके दी थी। इस एडिशन की जितनी भी बुक पब्लिश हुई है उन सभी बुक्स में माँ ने अपने हस्ताक्षर करके जिन्होंने भी ये बुक खरीदी उनको दी है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है दिस डीलक्स एडिशन इज लिमिटेड टू 2100 कॉपीज, ईच कॉपी इज नंबर्ड एंड साइंड बाय द मदर। बराबर इस बुक का नंबर है 1411 और ये बिहारी भाई शर्मा ने बुक ली थी, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं टू बिहारी शर्मा, माँ ने अपने हस्ताक्षरों में लिखा है टू बिहारी शर्मा विथ ब्लेसिंग्स और माँ की सिग्नेचर है। माँ के द्वारा स्पर्श की गई हुई ये बुक मुझे मिली है और मेरे पास है। एक प्रकार से कहे तो ये माँ के आशीर्वाद ही है जो उनके द्वारा स्पर्श की गई चीजें हम छू पाते हैं। डीलक्स एडिशन की बुक है। उसके बाद यहाँ पे माँ की फोटो है और यहाँ पे श्री अरबिंदो की फोटो है। द मदर कम्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द सुप्रामेंटल एंड इट इज द डिसेंट विच मेक्स हर फुल मैनिफेस्टेशन हियर पॉसिबल। माँ के द्वारा साइन की गई द मदर बुक के साथ ही मुझे ये दूसरी बुक भी मिली थी, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। ये बुक भी बहुत ही अच्छी है। इसमें माँ के हस्ताक्षर नहीं है पर इसका जो बाइंडिंग है और जो कवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से है। अभी ऐसे बाइंडिंग और ऐसी बुक्स है वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुक रखी गई है और बहुत ही अच्छी है, दिखने में भी बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। में ये प्रकाशित हुई है। प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस बहुत ही अच्छी बुक है और छोटी है, आपके हाथ में समा जाए इतनी छोटी बुक है। This collection of the mother's prayers and meditations is not complete. It contains only a few of them, those that were translated by Sri Aurobindo from the original French. माँ के जो prayers and meditations है उसमें जो प्रार्थनाएं हैं उसमें से जिन जिन प्रार्थनाओं को श्री अरबिंदो ने ट्रांसलेशन किया है वो प्रार्थनाएं इस बुक में समाई गई है। द प्रेयर्स आर मोस्टली रिटन इन एन आइडेंटिफिकेशन विद द अर्थ कॉन्शियसनेस।
it is the mother in the lower nature, addressing the mother in the higher nature. The mother herself carrying on the sadhana of the earth consciousness for the transformation, praying to herself above from whom the forces of transformation come. Sri Aurobindo.